वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अजमावत कोट, तो वो वीडियो अभी मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया है। और आतरसुंबा गांव है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था वो लोकेशन। और अब यहाँ से जा रहे हैं एक और बढ़िया सा लोकेशन है जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है और बढ़िया सी फिल्म सिटी आप कह सकते हैं, बढ़िया सी जगह है। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नंदन बाग वात्रिका, जो यहाँ पर ही है। अब हम वहाँ जाने वाले, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और राइड की शुरुआत हमने कर ली है, निकल चुके हैं आतरसुंबा से। और अजमावत कोट वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आई सेक्शन में उसकी लिंक आ जाएगी, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। और अभी जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उस लोकेशन पर पहुँच सकते हो। और कुछ किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर एक बोर्डिंग नज़र आ गया है, इस बोर्ड से हमें लेफ़्ट लेना है और यहाँ से एक सीधा रास्ता हमें नज़र आएगा, इसी रास्ते पे चलना है और हम पहुँच जाएंगे अपनी फिल्म सिटी। यहाँ पर एक छोटा सा चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कहाँ जाना है। यहाँ पर एक लोटस रेस्टोरेंट भी है, तो आप आके अगर खाना पीना हो तो यहाँ कर सकते हो। और यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है एक बढ़िया सा गेट, बढ़िया सा एलिवेटिव गेट, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और पहले हम जाने वाले हैं क्लब हाउस। तो दोस्तों, फाइनली हम द अल्टीमेट फिल्म सिटी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरह का है यहाँ का माहौल। और आज यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ मेन एंट्रेंस पे एक बढ़िया सा एलिफेंट हमारा वेलकम करते हुए यहाँ पर खड़ा है। और चलिए मैं आपको सीधा रिसेप्शन की ओर ले जाता हूँ। तो ये जो रास्ता है सीढ़ियों से, तो ये हमें रिसेप्शन की ओर ले जाएगा। और उसके बिल्कुल करीब ही एक बढ़िया सा जो वाटरफॉल मुझे दिखा वो मैं आपको करीब ले जाकर दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ का वॉल वाटरफॉल जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा देखिए ज़रा। बिल्कुल इसके राइट साइड एक बढ़िया सा लोकेशन है, पार्टी प्लॉट है, तो आप अपना ओकेशन भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। और चलिए अब चलते हैं रिसेप्शन की ओर। ये है यहाँ का रिसेप्शन और यहाँ पर आप अपना चेक इन कर सकते हो कि आप अगर प्री वेडिंग के लिए आए हो या फिर पिकनिक के लिए आए हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो आप यहाँ पर अपने जो कुछ भी डिटेल लेना चाहते हो इस रिसेप्शन से आप अपनी डिटेल ले सकते हो। और देर नहीं करते हैं, चलिए अब अपना अल्टीमेट सिटी का फिल्म टूर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी एक एरिया में आए हैं यहाँ पर द अल्टीमेट फिल्म सिटी, उसके अंदर यहाँ पर आए हैं। आर्टिफिशियल पियानो बनाया गया है, पीछे छोटा सा तालाब बनाया गया है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एटमॉस्फियर है, ग्रीनरी है, हवाएं तेज़ चल रही है और बढ़िया सा लोकेशन है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो प्री वेडिंग का कोई लोकेशन, फ़ोटोशूट के लिए कोई लोकेशन, तो द अल्टीमेट फिल्म सिटी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो लोकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो पूरा देखना, बहुत सारी जगह है, मोर देन 51 प्लेसेस क्रिएटेड हियर। तो बहुत सारी जगह है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गुज्जू राइडर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाता हूँ। छोटा सा ही तालाब है बट बढ़िया है और यहाँ पर फोटोग्राफी प्री वेडिंग बढ़िया सी हो सकती है। छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप बढ़िया सा फ़ोटोशूट ले सकते हो। और अब यहाँ पर एक गेट है, मतलब एंट्रेंस बनाया गया है, वहाँ पर अगर आप रात में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो यहाँ पर लाइटिंगें जलती हैं, यानी कि यहाँ पर रोशनी होती है रात में, तो आप यहाँ पर बढ़िया सा फ़ोटोशूट कर सकते हो। तो ये जो एंट्रेंस बनाई गई है ये बढ़िया है। और यहाँ पर एक और छोटी सी जगह है बैठने वाली, तो यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर विंग्स वाला एक जोन है, आप ये भी देख सकते हो। और कुछ फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, पहले वो दिखा देता हूँ। और कुछ इस तरह का है यहाँ पर एटमोसफियर।
जस्ट लुक एट द एटमोस्फियर। चलिए अब चलते हैं, आपको एक और बड़ा तालाब है यहाँ पर, वो दिखाते हैं। चलिए चलिए, ये हमारे दोस्त है यहाँ पर जो हमें गाइड कर रहे हैं और यहाँ की जितनी भी लोकेशन है वो हमें दिखाने वाले हैं। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है, वो देखेंगे। काफ़ी बढ़िया सा नेचर है और एक से एक बढ़कर लोकेशन यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, तो आपको फोटोग्राफी में तो बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही गुजरात की अनदेखी जगह पे हम जाते हैं क्योंकि गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। तो अभी हम एक लोकेशन पे आए हैं जो मैंने बताया कि यहाँ पर बड़ा तालाब है, तो कुछ इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है और ये मूवेबल है। अब अगर आप चाहते हो कि पानी में फ़ोटो खिंचवाए, पानी में कुछ शूट करें, तो ये पूरी जगह है वो हम इसको ट्रैवल करके आगे ले जा सकते हैं। तो अब इसको आगे ले जाएंगे और बीच में जाके आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी है और हम जा रहे हैं अभी आगे। और काफ़ी बढ़िया सा ग्रीन एटमोसफियर है और पानी है, इस वजह से यहाँ पर ठंडक भी है, तो आप यहाँ पर बढ़िया सा शूट कर सकते हो। आपके कांटेक्ट में कोई है जो कोई स्टूडियो से है या फिर कोई प्री वेडिंग का काम करता है, तो उसको ये लोकेशन ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा, मेरा वीडियो उनको शेयर कीजिएगा। और लोकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। तालाब के बाद बाहर आ चुके हैं पीछे की साइड जहाँ पर हम पहले थे, तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स क्रिएट की गए हैं मैंने जो बताया, तो आप यहाँ पर बढ़िया सी फोटोग्राफी कर सकते हो। ये एक बढ़िया सा लोकेशन है। और अब हम जाने वाले हैं जो मेन सेट है यहाँ पर, जो एकदम परफेक्ट फील दे वैसे बनाए गए हैं, जो आप पूरा एक अराउंड में अभी दे रहा हूँ वो देख सकते हो। तो अब यहाँ से हम फिल्म सिटी का टूर स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेसिक सी जो जगह थी वो दिखाई, अब यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इस गेट से अंदर जाते हैं। तो अभी ये जो गांव वाला थीम है, ये पहला सेट है जो मैं अपने वीडियो में ले रहा हूँ। और बढ़िया से यहाँ पर लोकेशन है, छोटे छोटे हट्स हैं और एक कार्ट भी पड़ा है, तो आप यहाँ पर बढ़िया सी गांव वाली थीम वाली फोटोग्राफी आप यहाँ पर कर सकते हो, बढ़िया सी प्री वेडिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो जगह की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा फार्म जैसा भी बनाया गया है, जो शाहरुख खान वाले सॉन्ग्स की फील दे वैसा है, तो ये जगह मुझे अच्छी लगी। अब इसके बाद और भी बहुत सारे सेट है वो दिखाएंगे, और जो मैंने बताया कि जो यूरोपियन स्ट्रीट है वो वाले भी सेट है, तो अब उसकी टूर हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन स्ट्रीट से पहले लेफ्ट साइड यहाँ पर एक सेट है जो राजस्थानी टच दिया गया है, राजस्थानी लुक जो दिया गया है, जो कारीगरी इस पर की गई है वो बढ़िया है। यहाँ पर भी बढ़िया से पोर्ट्रेट फोटो आप यहाँ पर खींच सकते हो, जैसे कोई राजस्थानी महल हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये सेट भी बढ़िया लगा। आपको कौन सा लोकेशन पसंद आता है कमेंट ज़रूर करना। अब चलते हैं पूरा यूरोपियन स्ट्रीट घूमने के लिए, हम जाएंगे अंदर। और पहले इसी गेट के नीचे है एक बढ़िया सा लोकेशन जहाँ पर फ्लावर्स लगाए गए हैं और कलर बहुत अच्छा किया गया है, तो फोटोज़ में चार चांद लगने वाले हैं। तो लोकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। और ये जगह आप घर बैठे बैठे देख रहे हो, गुज्जू राइडर की चैनल पे देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को ऑन कर देना, तो जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको। तो ये बढ़िया से लोकेशन, बढ़िया सी स्ट्रीट है जो यहाँ पर बनाई गई है, द अल्टीमेट फिल्म सिटी, और नंदन बाग वात्रिका ये पूरी लोकेशन का नाम है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर एक कैफ़े भी बनाया गया है, कैफ़े कॉर्नर है, और एक बैंक है सामने। तो ओवरऑल यहाँ पर आप बढ़िया सा फ़ोटोशूट ले सकते हो। ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा और नेक्स्ट लोकेशन आपको दिखाता हूँ
ये लोकेशन देख के मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि अगर हम यहाँ पर हॉर्स लेके आए, घोड़ा लेके आए और जो फिल्म में दिखाते हैं ना, सेम वही सेट इधर है। तो ये भी मुझे अच्छी लगी जगह। आपको कौन सी जगह अच्छी लग रही है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। और ये यहाँ पर एक वाइट हाउस बनाया गया है, बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज़ यहाँ पर आएंगे। और मुझे ये भी जगह अच्छी लगी, यहाँ पर एक से एक बढ़िया से बढ़िया जगह है। तो ज़रूर से इसकी एक बार ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, वहाँ पर जाके आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, प्री वेडिंग के लिए आ सकते हो, फोटोशूट के लिए आ सकते हो और पिकनिक के लिए भी आप इस जगह पे आ सकते हो। ऐसा लोकेशन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, तो ये भी बढ़िया लोकेशन है, काफी कलरफुल जगह है। तो आप यहाँ पर आके ज़रूर एक बार विज़िट करना और मुझे ज़रूर से कमेंट करना। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी आपको डिस्प्ले में नज़र आ जाएगा, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज करना अगर आप यहाँ पर आए हुए हो तो। अब इसी लोकेशन से जाना है अंदर, यहाँ पर एक बढ़िया सी जो बढ़िया सेट बनाए गए हैं अंदर की ओर। तो चलिए अब आप सबको इस लोकेशन के अलावा इसके अंदर जो सेट बनाए गए हैं वहाँ पर लेके चलता हूँ। और ये है यहाँ पर बढ़िया सी लाइटनिंग वाली एंट्री, जो मूवीज़ में आप देखते हो जैसे कोई क्लब में जा रहे हो, तो वैसे एंट्री यहाँ पर है। और अब अंदर जो सेट है वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पीछे है जयपुरी सेट, तो एक जयपुर वाला टच दिया गया है यहाँ पर। और ये ओल्ड टेलीफोन है, चलिए बात करके देखते हैं। और क्या आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? हेलो हेलो, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एंटिक पीस रखे गए हैं, पीछे जो लुक दिया गया है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आपको पूरा लोकेशन दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट द एटमोसफियर, जस्ट लुक एट द लुक, क्या ही सीन है यहाँ पर। आप बढ़िया सी वीडियोग्राफी प्लस फोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही गजब का ये सजाया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, तो ये जयपुरी सेट के बिल्कुल सामने एक रॉयल वॉल बनाई गई है, तो आप यहाँ पर भी बढ़िया से फोटोशूट कर सकते हो। और बिल्कुल इसके पीछे की साइड एक लोकेशन क्रिएट किया गया है जो भी आप वीडियो में देख रहे हो। ये थे कुछ प्लेसेस जो मैंने अभी फ़िलहाल कवर किए, अब जाएंगे आउटडोर, अब बाहर की साइड कुछ प्लेसेस हैं वो दिखाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आउटडोर पे कुछ प्लेसेस है वो कवर करने के लिए अभी हम आए हैं। तो ये ऐसे दो तीन ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पर आप रात में यानी कि नाइट फोटोशूट भी कर सकते हो। ये बढ़िया से बैठने की अरेंजमेंट की गई है, तो यहाँ पर भी फोटोग्राफ्स बहुत अल्टीमेट आएंगे, इसीलिए तो इसका नाम है अल्टीमेट फिल्म सिटी। तो अब यहाँ से पीछे भी एक जगह है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं साइड की ओर, यहाँ पर भी एक और बढ़िया सी जगह है। यहाँ पर मैरी मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पोजेस करके आप बढ़िया से पोर्ट्रेट फोटो यहाँ पर खींच सकते हो। और सामने हमें झूला नज़र आ रहा है, तो अब वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेटेड झूला है, बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ आ सकते हो। फिर उसके थोड़े ही आगे एक गोल्डन पूल बनाया गया है, तो ये भी बढ़िया जगह है। और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं वाइट डेजर्ट, जो हमारे गुजरात के शान बोलते हैं सफ़ेद रण। तो सेम ऐसा ही एक यहाँ पर हूबहू बनाया गया है कि आप वैसे फोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर सको। तो दोस्तों मेरे पीछे अभी है वाइट डेजर्ट जो यहाँ पर बनाया गया है, आप यहाँ पर भी बढ़िया से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो ज़रूर से आ जाइए अल्टीमेट फिल्म सिटी उत्कंठेश्वर। और अभी हम कह रहे हैं आगे बहुत जगह बाकी है और दोपहर में निकले हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और चलिए अभी बहुत सारी जगह जो हम एक्सप्लोर करें। दोस्तों वापस से
क्लब गैलेक्सी आ चुके हैं और यहाँ पर पीछे स्विमिंग पूल है, ये भी बढ़िया जगह है जो बिल्कुल पीछे की साइड है और यहाँ पर भी बढ़िया से लोकेशन बनाए गए हैं। आप देखो यहाँ पर एकदम पूल के किनारे पे और नदी किनारे पे ये जगह आई हुई है, तो आप यहाँ से नेचुरल व्यू भी ले सकते हो। इन्फिनिटी पूल बनाया गया है जो भी आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो ये भी चीज़ें कुछ छोटी छोटी है बट बढ़िया है और लोकेशन को एनहेंस करती है ऐसी चीज़ें, तो ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी। आपको ये लोकेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और सबसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अब पूल से नीचे होके पीछे बीच की ओर हम जा रहे हैं और वात्रक नदी के किनारे पे है ये जगह, तो ये बीच है। तो अभी यहाँ पर जो नदी है उसके किनारे पे हम खड़े हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बीच बनाया गया है और कुछ ऐसा लोकेशन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और लोकेशन की क्या ही बात करूँ, एक से बढ़िया एक यहाँ पर लोकेशन है, आप बढ़िया सी फोटोग्राफी कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो बीच बनाया गया है कुछ छोटी छोटी जगह है और अभी ये सेट रेडी नहीं किया गया है क्योंकि अगर आप प्री वेडिंग शूट के लिए आते हो तो यहाँ पर बढ़िया सा सेट सजा के देते हैं। और कुछ छोटे छोटे लोकेशंस हैं वो मैं दिखा देता हूँ। बीच पे अभी मैं चल रहा हूँ और ये जो यहाँ का पानी है ये किनारा है नदी का, तो जगह का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है और कुछ छोटे छोटे जो लोकेशन हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बढ़िया सा झूला बनाया गया है, यहाँ पर बैठ के आप बढ़िया से फ़ोटोज़ ले सकते हो, ऐसे नदी किनारे वाले पोज ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छी जगह। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए गैलेक्सी क्लब में यहाँ पर जितने भी अंदर जो कुछ भी देखने लायक है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है गैलेक्सी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आके आप अपना फूड ले सकते हो और बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पर कर सकते हो। रेस्टोरेंट के बाहर भी बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है, काफ़ी ग्रीनरी है, एक से एक एंटीक चीज़ रखी गई है और बढ़िया सा माहौल क्रिएट किया गया है। अब उसी रास्ते से हम जाने वाले हैं वापस रिसेप्शन की ओर, तब रास्ते में एक और जगह बढ़िया सी बनाई हुई मैंने देखी, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये भी एक बढ़िया सा फ़ोटोशूट लोकेशन है, तो आप यहाँ पर बैठ के बढ़िया से पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है जो मुझे नज़र आई। आप यहाँ पर ज़रूर से सब कुछ घूमना। अब चलते हैं वापस गैलेक्सी क्लब के अंदर और यहाँ पर और कुछ भी है जो देखने लायक है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो बैंक्वेट्स हॉल आए हुए हैं, बैंक्वेट 2 और बैंक्वेट 1, तो ये जो हॉल है वो कैसे हैं वो आप ज़रा इस वीडियो से देख लो। अगर आप यहाँ पर कोई ओकेशन करना चाहते हो, कोई मीटिंग करना चाहते हो, तो ये बेटर प्लेस है एक। अब यहाँ पर एक छोटा सा थिएटर भी बनाया गया है जो मुझे काफ़ी पसंद आया और यहाँ पर अगर आप पिकनिक के लिए आते हो तो यहाँ पर मूवी का टाइम भी है तो आप मूवी देख सकते हो। यहाँ पर एक बढ़िया सा गेम जोन है, जो गेम जोन है अंदर इंडोर गेम्स है जो मुझे अच्छी लगी, 8-ball पूल है। तो यहाँ पर डार्क बोर्ड करके एक गेम है, इसको हमें ऐसे करके यहाँ पर लगाना है निशाना और बीच में जाता है तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो और नहीं जाता है तो फिर भाग जाओ। चलिए हम ट्राई करते हैं और निशाना लगाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर छूट गए। दोस्तों ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस हमने कवर कर लिए हैं। अब ये यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जो आप अगर अपने प्री वेडिंग में फ़ोटोशूट में ये लेना चाहते हो तो ये आप जगह देख सकते हो। और अब एक लास्ट लोकेशन है लव पॉइंट जहाँ पर हम जा रहे हैं, हाइटेड एरिया पे बनाया गया है और यहाँ से किनारा साफ दिखता है वात्रक नदी का और सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है जब यहाँ पर शाम होती है, तो पूरा सनसेट का माहौल आप यहाँ से बैठ के देख सकते हो।
मैं अभी यहाँ से वीडियो ख़त्म करके निकल रहा हूँ, इसीलिए जल्दी निकल रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट है ये लोटस रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं। तो दोस्तों फाइनली पूरा टूर यहाँ का हमने कंप्लीट कर लिया है, नंदन बाग और द अल्टीमेट फिल्म सिटी। यहाँ पर जितने भी प्लेसेस देखने लायक थे वो सारे के सारे मैंने दिखा दिए हैं, इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो पूरा वीडियो आप देखना आराम से और सबसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं बैठा हूँ लोटस रेस्टोरेंट में, और आज जो कुछ भी कम से कम मैंने यहाँ पर 3 से 4 घंटे स्पेंड किए हैं, सारा वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात घूमना है मेरा काम, क्योंकि गुज्जू राइडर है मेरा नाम। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, मैं गुजरात में ऐसे ही घूमता रहूँगा, अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकन को ऑन कर देना, जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँ पहली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, सबसे शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और देखते रहिए ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए गुज्जू राइडर।